हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस बाय क्यूसाई। आज हम आपके लिए लाए हैं क्यूब रूट फाइंड करने का सबसे आसान ट्रिक। आप लोग बहुत ही कम समय में पता कर सकते हैं इस नंबर का क्यूब रूट क्या है। तो आइए, यहां पे हमें फाइंड करना है 54872 का क्यूब रूट। अब यहां पे हम इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट लेंगे। लास्ट की 3 डिजिट है 872। अब यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट है 2। हमें ये देखना है कि 1 से लेकर के 9 तक के बीच जब हम क्यूब करेंगे तो किसके यूनिट डिजिट पर 2 आता है। तो 8 का जब हम क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पर 2 आता है। मींस दैट इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा उसकी यूनिट डिजिट 8 होगी। अब यहाँ पे बचा है 54। हमें देखना है कि 3 का अगर हम क्यूब करते हैं होगा 27 और 4 का क्यूब करते हैं होगा 64। यानी ये 54 जो है 27 और 64 के बीच में आता है, तो हमें छोटे वाले नंबर को चूज करना है, मींस दैट 3 को। तो इसका जो क्यूब रूट होगा वह 38 होगा। अब है 175,616 का, तो इसका करेंगे लास्ट की 3 डिजिट। लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे तो 616 है, 616, और इसकी यूनिट डिजिट 6 है। 1 से लेकर के 9 तक के बीच में किस नंबर का क्यूब के लास्ट में 6 आता है, तो ये आता है आपका 6 के लास्ट में। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 यानी 6 आ रहा है लास्ट में। यानी इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा क्यूब रूट का वह होगा 6। अब बचा यहां पे 175 को हम ये देखेंगे कि 5 का क्यूब जब करेंगे तो 125, 6 का क्यूब करेंगे तो 216, और ये जो 175 है वह है 125 से लेकर के 216 के बीच का। तो इसलिए हमें छोटे नंबर को चूज करना है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करना है, तो इस नंबर का क्यूब रूट होगा 56। अब ये है 421,875। अब इसका आप लोग क्यूब रूट निकाल करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए।